मुझे नालो यासिर अकबर जमाली अज अस इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ासी। इम्यून सिस्टम वो होंगे है जैसे जी बॉडी है या पान के बाहर हमलन का वायरस या बैक्टीरिया या बिहार पैथोजिन उन्हें बचाई है। उ वायरस या जो बैक्टीरिया उ केमिकल्स या टॉक्सिन्स रिलीज कराइंदा आन जे टिश्यू के ऑर्गन के डैमेज कंदा उन्हें रोकण के लिए जिसम जो कौत मुदाफ़त में डब्ल्यू बी सी जहा सेल मौजूद हूँ। उन्हीं के अलावा जो है लिम्फोसाइट्स उन्होंने वो उन्होंने अहम किरदार हों लिम्फेटिक जी सिस्टम इंक्लूड में लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड्स टॉन्सिल्स स्प्लीन थाइमस ग्लैंड लिम्फ एंड लिम्फेटिक वेजिल्स। उन्हीं के अलावा इम्यून डिफेंस जो है उनका ब टाइप्स हूँ इंसान के जिसम में आखिरकार इंसान जो जिसम जो है उनको है इन्फेक्शन से फाइट कि उनका तौर तरीका उन्हें असो डिफेंस सिस्टम है ह्यूमन्स जो वो जो है फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन जो है थर्ड लाइन इन टिन में डिवाइड थियल है विरहल है। जो है फर्स्ट टाइप जी है इननेट इम्यूनिटी है। इननेट इम्यूनिटी के नॉन स्पेसिफिक जो है डिफेंस मैकेनिज्म भी चबो है नॉन स्पेसिफिक इनके करे जो यो कि भी मखसूस वायरस या बैक्टीरिया से यो अस इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कंदो। बियो जो हों स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म यो जो है अस मखसूस जो है बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट फाइट कंदो आई। फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस में अस स्किन अची तो वे म्यूकस मेम्ब्रेन्स अची वन उन्हीं के अलावा जो सीक्रेशंस ऑफ स्किन जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो जैसे को भी बैक्टीरिया जो है इतना का बची वो तो वरी वो इन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जिमें वरी अस फेगोसाइटिक सेल्स था अची वन एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स उन्हीं के अलावा जो है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जो वायरस या बैक्टीरिया इतना भी बची तो आखिर जो है इम्यून सिस्टम जो है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म उन्हीं खत्म कह किल कह जैसे अस थर्ड लाइन ऑफ दी डिफेंस चवंदा आयो। उनमें जो है लिम्फोसाइट्स हूँ एंटीबॉडीज होंगे एंड मैक्रोफेजिस हूँ जो कि मखसूस जो है बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट हंदा ये जो है उन्होंने किल कंदा। हाँ अचो दिसूँ तो नॉन स्पेसिफिक इननेट बॉडी डिफेंस जो सिस्टम है वो कम जो है फंक्शन कि करे उनका जो हथियार कड़ा जो वायरस या जो है बैक्टीरिया फंजाई थो या पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट था कन कि रोकन आइज थी यूरिन ब्लड सलाइवा टीयर्स वॉश आउट पैथोजेंस ये जो बार कड़ींदा पैथोजेंस के एंड ऑल्सो कंटेन एन एंजाइम इन में एंजाइम्स भी हूँ जो अस बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया के किल कंदा उन्हीं का नोज जो है उनमें म्यूकस जो ट्रेप्स कंदा पैथोजेंस के विच आर देन स्वॉलोड आर ब्लाउन आउट इन द कफ एंड सिनेजिस उन्होंने जो है खंग के जरिए या निचे के जरिए उतार का बाहर कढ़ो भी है। उन्हीं वरी अची वो स्किन चे तो द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज डेड जी आउटर मोस्ट जी स्किन असि चमड़ी दिसूँ इन जे सेल्स ये डेड हूँ एंड डिफिकल्ट फॉर पैथोजेंस टू ग्रोन ऑन आर पेनिट्रेट्स यो जो है वायरस बैक्टीरिया मुश्किल है तो इन असो है स्किन में पार कर जिसम के अंदर दाखिल थियन पर जैसे को कट थी या को जख्म थो तो वो जो है उन्होंने अलो कह तो वो असे जिसम में वायरस बैक्टीरिया इंटर थियन। उन्हीं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हों स्लाइटली एसिडिक कंडीशन्स होंदियों विजाइना में एंड यूरिथ्रा में जे हेल्प कंदियन टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस जो पैथोजिन हूँ उन्होंने उत्ते रोकींदा। आयरन बाइंडिंग जी प्रोटीन्स हूँ इन ब्लड ब्लॉक द माइक्रोबियल रिप्रोडक्शंस के आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स उ भी बंद कर छींदा उन्हीं का स्किन प्रोड्यूस द एसिडिक सीबम जो है टू लिमिट द बैक्टीरियल ग्रोथ स्किन में जो है एसिडिक सीबम हों सीबम वो लिमिट कह बैक्टीरियल ग्रोथ के एंड सीबम फैटी एसिड्स जो फंजिस्टिक हूँ उ फंजाई के किल भी कंदा।
माउथ जो है फ्रेंडली बैक्टीरिया हेल्प टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस एंड जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है वो हार्मफुल पैथोजेंस की ग्रोथ के रोकींदा सलाइवा थी एंड द टीएस डिस्ट्रॉय करना बैक्टीरिया के बिकॉज दे कंटेन्स लाइसोसोम्स लंग्स जो म्यूकस इन द लंग्स ट्रेप्स बैक्टीरिया के उ कैच कर वा एंड फंगल स्पॉट्स के टिनी हेयर्स कॉल जिन्हें असं सीलिया चुना मूव द म्यूकस टू द बैक ऑफ द थ्रोट वेयर इट इज स्वेलोड वापस उन्होंने थ्रोट तक मोकिल वो है जिसे उन्होंने खत्म कर सकें स्टमक जी थो एसिड हेल्प्स टू स्टरलाइज द फूड जो खाधो वो जिनमें पैथोजेंस थी था सकन उन्होंने वे स्टमक में जो एच सी एल थी वे वही स्टरलाइज कहन उन्होंने किल कहो नाइट्रिक ऑक्साइड है रिलीज्ड बाय द मैक्रोफेजेस इनहिबिट द एटीपी प्रोडक्शन यानी कि वो एटीपी प्रोडक्शन के भी रोके छींदो है नाइट्रिक ऑक्साइड लार्ज इंटेस्टाइन वो आंड्रो फ्रेंडली बैक्टीरिया हेल्प टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस वे आंड्रे में भी जो बैक्टीरिया हूँ असाजे पैथोजेंस जो पैथोजेंस उन्होंने उन्होंने ग्रोथ के रोके छींदा फिसिस जो एक्सक्रीटरी मटीरियल हों उनमें तकरीबन 3% लाइव बैक्टीरिया मौजूद हूँ सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस उनमें जो फेगोसाइटिक सेल्स हूँ उनमें जो नेचुरल किलर सेल्स अटैक वायरस कहना इन्फेक्टेड सेलन से उन्हीं अलावा बया मैक्रोफेजेस हूँ मोनोसाइट थी न्यूट्रोफिल्स थी जो बैक्टीरिया के जो है किल कह इन्फ्लामेटरी पोरी रिस्पॉन्स इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स असाजे नेक्स्ट लेक्चर में शामिल है आखिरकार इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स चाहिए एंटी माइक्रोबायल जो प्रोटीन्स हूँ उन्होंने अची था लाइसोजाइम्स अची वन इंटरफीरान अची था वन एंड एंटीबॉडीज अची थी वन एंटी माइक्रोबायल प्रोटीन्स में जो उन्होंने बैक्टीरिया के वायरस के किल कहान अची एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस आखिरी लाइन ऑफ असि है डिफेंस की जैसे को भी वायरस बैक्टीरिया फंजा या को पैथोजन इंटर थी तो वे फर्स्ट लाइन का भी गुजरी तो वे सेकेंड लाइन का भी गुजरी तो वे हाँ यानी कि थर्ड लाइन असि को अची वी है जिनके अस थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम चुना ये जो है एंटी जिन जो है स्पेसिफिक होंगी है यानी कि कहीं भी मखसूस बैक्टीरिया के खिलाफ एक मखसूस जो है एंटीबॉडीज ठहदियों जो उन्होंने वही किल करन उन्हीं अलावा जो है सिस्टमेटिक नॉन रेस्ट्रिक्टेड टू द इनिशियल इन्फेक्शन साइट ये जो उन्हीं साइट से भी वही पहुंचता एंटीबॉडीज जी वही मखसूस बैक्टीरिया से वही विढ़ी सकन उन्हीं अलावा जो है हेज मेमोरी मेमोरी में मुराद है तो जे जैसे को बैक्टीरिया हमलो कंदो आहे ठीक है उन्हीं हमले करण खां पो हाँ बार बार जो वो बीहर भी इंदो वरी उन्हीं खां अगेन जो हमला कंदो रहंदो तो उन असाया जिस्म जे असाया डब्ल्यू बी सीज हूँ वे छाइन कंदा उन्हें जो है बैक्टीरिया की उन्हें एंटीजन के मेमोराइज करे छींदा उन्हें अगेंस्ट जो है मेमोरी बी सेल मेमोरी टी सेल ठाए छींदा तो बीहर जैसे भी यो अगेन अचे वायरस या बैक्टीरिया तो उन्होंने जो है एंटीबॉडीज जल्द में जल्द ठही वन उनके अगेंस्ट उन्हीं टाइम पर जो है फाइट करन उन्हीं के तमाम जल्द खत्म कर छन इन जो है मेमोरी सेल्स चेबो है उन्हें बी सेल टी सेल उन्हीं जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी ह्यूमरल जी इम्यूनिटी होंगी है वह एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होंगी है इन ब्लड एंड दी लिम्फ में यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज ठहदियों बैक्टीरिया वायरस एंड पैथोजेंस जे अगेन उन्हीं से जी है सेल्युलर इम्यूनिटी ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम सेल्युलर जी है इम्यूनिटी या इन जैसे को वायरस असाजे जो है जिसम जी सेल से हमलो करें जो है ट्रेप कर वो वायरस उनके हैक कर वे वही मशीनरी के तो असो जो जिसम है कह साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या उन्होंने वायरल इन्फेक्टेड सेल्स के किल कर छदान उन्हीं के जो है सेल्युलर इम्यूनिटी वीबो है
एक्टिव वीएस पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में जेके आहे बी सेल्स जेके आहिनि ठाहींदा आहिनि एंटीबॉडीज़ ऐं उन्हनि एंटीजन्स खे उन्हनि बैक्टेरिया ऐं वायरसिस खे किल कंदा आहिनि। ऐं एक्टिव इम्यूनिटी जेको आहे कंहिं बि नेचुरली बि थी सघे, कुदरती बि ऐं आर्टिफिशली बि थी सघे। ऐं उन खां पोइ जेके आहे पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में छा ईंदो, असां एंटीबॉडीज़ ॿिए कीअं माण्हू खां वठंदा आहियूं, जीअं जेको आहे मदर उहा एंटीबॉडीज़ ॾींदी आहे पंहिंजे ॿार खे। ऐं उन खां अलावा जेको आहे प्लाज़्मा जे ज़रिए, जीअं हाणे कोरोना जा जेके पेशंट्स आहिनि उहे वरी जेके सिहतयाब थींदा उन्हनि जे अंदरि उन कोरोना वायरस जे अगेंस्ट फाइट करण वारियूं एंटीबॉडीज़ मौजूदु आहिनि हूंदियूं आहिनि, ठीकु आहे। पोइ उहो जेको आहे प्लाज़्मा असां उन्हनि खां वठंदा आहियूं, ऐं पोइ जेके कोरोना इन्फेक्टेड जेके पेशंट्स आहिनि पोइ वरी असां उन्हनि खे उहे प्लाज़्मा हणंदा आहियूं, त जीअं उन कोरोना वायरस सां फाइट कनि एंटीबॉडीज़ ऐं उहे जल्दी सिहतयाब थी वञनि। ऐं हिननि में जेके आहिनि मेमोरी सेल्स नाइन थींदा, यानी कि रिमेंबर नाइन रखंदा पैसिव इम्यूनिटी में। ऐं इहे जेके आहिनि प्रोटेक्शन हिननि माण्हुनि खे से मिलंदी आहे उन जेके आहिनि प्लाज़्मा थी वियो, जेके माना ॿिए कंहिं माण्हू खां वठंदा आहिनि उन्हनि जे ज़रिए इन्हनि जी प्रोटेक्शन थींदी आहे। पैसिव इम्यूनिटी असां हिन खे चवंदा आहियूं। ऐं एक्वायर्ड इम्यूनिटी जेकी आहे नेचुरली थींदी आहे, उहा जेको आहे एक्टिव इन्फेक्शन जेको आहे कॉन्टेक्ट विथ दी पैथोजिन्स जीअं कंदा आहिनि उन सां फाइट थींदी आहे। ऐं ॿियो जेको आहे पैसिव एंटीबॉडीज़ पास फ्रॉम दी मदर टू फिटस वाया दी प्लेसेंटा आर टू दी इन्फेंट इन हर मिल्क, जीअं ॿार जेको पंहिंजी ॿार जेको आहे जेको माउ जे पेट में हूंदो आहे उन खे वरी उतां एंटीबॉडीज़ पंहिंजी जेको आहे माउ मोकिलींदी आहे उन ॾांहुं। ऐं उन खां अलावा जॾहिं ॿारु वरी खीरु पीअंदो आहे ब्रेस्ट जे ज़रिए, त उतां बि जेको आहे मदर मोकिलींदी आहे एंटीबॉडीज़ पंहिंजे ॿारनि ॾे। ऐं आर्टिफिशली जेके एक्वायर्ड जेकी थी वई एक्टिव, जीअं असां वैक्सीनेशन्स कंदा आहियूं, ऐं उन खां अलावा जेको आहे वरी पैसिव जेके थी वई जीअं इंजेक्शन थी वई इम्यून सीरम जूं थी वियूं या गामा ग्लोब्यूलिन जूं।